चलो जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश। अडराम हम होता नहीं हम जान। गोश्त की डिलीवरी इस वक्त? हाँ वो एक पार्टी है ना, उसकी डिलीवरी आई है। अच्छा तो मुझे बता दिया था? नहीं तू तो शादी की तैयारी में लगा हुआ है। कोई हेल्प करवा दूँ आपकी? नहीं कर लेंगे ना, कर लेंगे लड़के लगे। तू जा तू जा तू जा, मैं देख लूँगा। जा की बात है। हाँ जैसे आपका हुक्म। किस गोश्त कहाँ रखते हो तुम लोग, कहाँ रखते हो? नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं जा पता है तुझे मुझे। हादी भाई मुझे नहीं पता कुछ भी, आप सेठ से पूछ ले। क्या पूछ ले सेठ से? बाबा जान अभी एक कॉल आई थी। आई थी तो इस दुकान पे नाकिस गोश्त बिकता है? ये सब तेरे करने की बातें नहीं है समझे। करने की बात मामूझा, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। पूछने का हक नहीं है, मेरी दुकान है, जैसे मर्जी चलाओ। हमारी दुकान पे नाकिस गोश्त बिकता रहा और मुझे कोई खबर ही नहीं। हमारी नहीं मेरी दुकान है ये, और यहाँ काम करना है ना खामोश होकर रहना होगा, समझा है? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मामू जान? आप तो सबका इतना ख्याल रखते हैं, सबकी इतनी मदद करते हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता मैं, पूरी दुनिया करती है, मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं और नहीं होता मेरा गुजारा एक दुकान से। ये बात ध्यान से सुन, जो सुना है ना तूने बोल जा, मैं भूल जाऊंगा। नहीं मामू जान नहीं, आप लोगों को बीमार जानवर का गोश्त नहीं खिला सकते। आप लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, वो तो वाकिफ नहीं है, लेकिन मामू जान अल्लाह तो वाकिफ है ना, वो तो देख रहा है। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। इंसान को बताने जानवर नहीं आएगा, ये संभाल लूंगा मैं, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरा काम मेरी बेटी को खुश रखना है। अब चलता फिर नजर आ निकल। आया बड़ा मुझे सबक पढ़ाने वाला। तुम कहां थे आदि, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें कुछ आइडिया है हमारी शादी में कितना टाइम बचा है? इतना एम्बैरस हुई हूँ मैं आज डिजाइनर के सामने और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जो कहना है अंदर आके कहो, चलो। हरी मेरी बात सुन लो, लेकिन प्लीज ठंडे दिल से सुनना, तुम्हें शायद अच्छा ना लगे लेकिन मकराम बेशरम। अप्पू आप इस वक्त क्या हुआ है? मत पूछ इस वक्त क्या हुआ है, मेरे इत्मीनान का खून हुआ है, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, कहां से कहां पहुंचा दिया तुझे। बचपन से लेके आज तक मैंने पाला है तुझे, कभी महसूस होने दिया है कि तेरे मां बाप नहीं है? अच्छा से लगती है लेकिन आप गलत है मामू जान। कोई मुझे भी बताएगा क्या हो रहा है यहाँ? वो हाथी ने दुकान पे रेट बढ़वा दी है, वो कहता है मैं मुर्दा जानवरों का बीमार जानवरों का गोश्त बेचता हूं। में बात फैल गई है, इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। अप्पू क्या कह रहे हैं आदि? रीम ये सच है तो मैं झूठ बोल रहा हूं, इसने कोई बदला लिया है मुझसे, बदला लिया है। तो आप हराम काम कर रहे हैं,
कैसे मुसलमान हैं आप? लो जी, बात ईमान पे आ गई है। या अल्लाह के दर जाऊं मैं, किसको बताऊं मैं? मामू आप, अब्बू जो कह रहे हैं वो सच है हाथी? हाँ सच है। तुम पे यकीन करती थी हाथी। तुम्हें अपना यकीन रखना होगा, मैं गलत नहीं हूं। चले जाओ यहां से। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बाप पे इतना गलीज इल्जाम लगा सकते हो। इल्जाम? समझने की कोशिश करो हरी, मैं सच कह रहा हूं। जो तुमने कहा मैंने सुन लिया। हाँ ये अलग बात है कि ना इस बात पे अब तक यकीन आ रहा है ना ही समझ। हरी मेरी बात सुन लिया है, चल चलता फिरता नजर आया यहाँ से। हेलो, ये आप ठीक नहीं कर रहे मामू जान। आज नहीं तो कल हरी मेरी बात पे यकीन करेगी, सच पे यकीन करेगी। कल वल कुछ नहीं होता है, जो होता है ना आज होता है। और आज सच ये है कि हरीन को मेरी बात पे यकीन है, तेरी बात पे यकीन नहीं है। निकल जाए करते। और सुन, मंगनी अब खत्म, समझ? आपकी बेटी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिससे आंतें शदीद मुतासिर हुई हैं। आपको मालूम होगा कि कुत्ते के अलावा भी तकरीबन सभी जानवरों में रेबीज़ की अलामत पाई जाती हैं। हाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं और वैक्सीनेशन से इस पर काबू भी पाया जा सकता है। क्या आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी बेटी को ये बीमारी कैसे लगी? देखें वकार साहब, बीमार या मुर्दा जानवर के गोश्त खाने से भी ये बीमारी लग सकती है। गोश्त तो उसने खाया था, लेकिन क्या ये बीमारी खराब गोश्त से लगती है? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, आप गोश्त जहाँ से भी लें देखभाल कर लें, भरोसे या जान पहचान की दुकान होनी चाहिए। दरअसल बीमार या मुर्दा जानवर के अंदर ऐसे वर्म्स पैदा होते हैं जो इस गोश्त से इंसानी जिस्म में मुंतकिल होकर शदीद किस्म का इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं, और बुशरा के केस में यही हुआ है। बहरहाल आपकी बेटी ने घर स्कूल बाहर से कुछ ऐसा वैसा खाया तो है। ये बुशरा के लिए, इसको अच्छी ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, इसका इलाज मुमकिन है? मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, इसे कुछ होगा तो नहीं? देखें बीमारी ख़तरनाक तो है लेकिन काबिल इलाज है। हाँ टाइम लगेगा और इलाज भी महंगा है। वकार भाई आप आइए ना, अंदर आए। तुम्हें तो अल्लाह पूछेगा। क्या मतलब, आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? हम तुम्हें क्या समझे थे और तुम क्या निकली? जुबान संभाल के बात करें, होश में तो हैं आप? होश में तो मैं आज आया हूँ। जानती हो जो गोश्त तुमने दिया था उस वजह से मेरी बुशरा आज अस्पताल में है। तुमने उसे मुर्दार जानवर का गोश्त, बीमार जानवर का गोश्त खिलाया। आप कहना चाहते हैं कि जो गोश्त हमारी दुकान से आता है वो? नहीं नहीं वकार भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे अब्बू ऐसे। हाँ तुम्हारे अब्बू, उनसे हिसाब लेना भी बाकी है। किस किस्म के खबीस इंसान है तुम? छोड़ मुझे, कौन है तुम? बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बीमार है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। सब मेरी जगह भी आके मुझे धमकी दे रहे हैं। तुम ठीक कहते थे आदि, हर चीज शीशे की तरह साफ है। अब्बू वो नहीं है जो वो दिखाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
मेरे अल्लाह ने तुम्हारी आंखें खोल दी। चलो अबू की कंप्लेंट करते हैं फूड डिपार्टमेंट में। नहीं नहीं कोई फायदा नहीं है, मैंने कंप्लेंट की थी ना, क्या रिजल्ट निकला? 0/0। रिश्वत देके चुप करा देते, वो सबको खिला पिला कर ये मकरूह धंधा चला रहे। हादी मेरी स्कूल की कैंटीन में अब्बू ही गोश्त सप्लाई करते हैं, अगर बच्चे खाकर बीमार हो गए तो? नहीं मैं ये नहीं होने दे सकती, अब्बू को किसी ना किसी तरह से रोकना होगा हमें। लेकिन हरीम बगैर एविडेंस के? मैं हूं ना एविडेंस, वकार भाई है और क्या चाहिए। नहीं नहीं हरीम ऐसे नहीं। फिर कैसे? हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो इस तरह उनको कॉर्नर कर लेंगे, उनके पास जवाब ही नहीं होगा। सही कह रहे हो, अब्बू को एक मौका हमें संभलने का देना होगा ना, आखिरत में उनकी बहुत सख्त पकड़ होगी। दुनिया में चाहे वो कुछ दे दिला के छूट जाए लेकिन वो वहां नहीं बचेंगे। ये देखो ये पड़ा हुआ है। करो इससे, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी मौजूदगी में ये मकरूह धंधा चल रहा था। ना जाने हाथों से मैंने कितने मासूम लोगों की सेहत खराब की। नहीं आदि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, भूल चुक तो अल्लाह माफ कर देता है। अब चलो यहाँ से, किसी ने रोशनी देख ली तो अब्बू को शक ना हो जाए। हाँ ठीक है चलो। अरे ये खास दिल से बनाया आपके लिए। कैसा लगा? भाई बड़ा मजा है तेरे यार, बड़ा मजा। ये तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और लेना अब्बा। क्योंकि मैं हराम नहीं खाती। क्या मतलब है? मेरा मतलब मेरी कमाई हराम की है। आपकी कमाई भी और ये गोश्त भी। हाँ मैं नहीं जानती ये गोश्त किसी बीमार जानवर का था या फिर मुर्दा। ये तो अब्बू आपकी बीमारी से जाहिर होगा, लेकिन था आपकी दुकान का ही। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मत मुझे धोखा दे है तूने मुझे। और जो आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं वो उसकी मखलूक की जानों से खेल रहे हैं वो किस खाते डालेंगे आप अब्बू? फरमान लद्दार क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए। मैं तो क्या कितने मटता हूं मेरी नाफरमानी आपको दुख दे रही है अब्बू, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसके खिलाफ जाके आप कौन सा सवाब कमा रहे हैं? आपको उन सब तकलीफों से गुजरना होगा अब्बू, जो ऐसा गोश्त खाकर सपने खासकर बुशरा ने उठाई है।
बीमार जानवरों और मुजरे सेहत गोश्त फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन किया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि बीमार जानवरों और मुजरे सेहत गोश्त फरोशों के खिलाफ ये क्रैक डाउन किया गया है। फूड अथॉरिटी की जानिब से छापे के दौरान 4300 किलो बीमार जानवरों का गोश्त और 8000 किलो बाकियात भी बरामद कर लिया।